नमस्कार, ऋषिराज पाठक का प्रणाम स्वीकार करें। आज मेरे साथ उपस्थित हैं संस्कृत जगत के विश्वविश्रुत आचार्य डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी और मेरे छोटे भाई श्री मुनिराज पाठक जी। आज हम आप सभी के समक्ष यह प्रस्तुत करेंगे कि प्राचीन समय की जो परंपरा रही है और अब तक भी ये परंपरा रही है कि संस्कृत के जो विद्वान हुआ करते थे वे मनोरंजन कैसे करते थे। तो एक विद्या खेल है, एक क्रीड़ा है, अक्षर श्लोकम। इसमें श्लोक का उच्चारण किया जाता है, श्लोकों का गान किया जाता है, एक क्रम से, एक श्रृंखला से। तो मैं हमारे मध्य उपस्थित जो मध्यमणि हैं आचार्य जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अक्षर श्लोकम क्या है और ये कैसे होता है, कि हमारे जो नए विद्यार्थी हैं वर्तमान समय के, वे इस बात को समझ पाएँ, जान पाएँ कि अक्षर श्लोकम क्या है। अक्षर श्लोकम एक काव्यशास्त्र विनोद का भेद है। काव्यशास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। बुद्धिमान लोगों को काव्यशास्त्र विनोद से समय बीतता था और जो मूर्ख हैं वो या तो सोएंगे या कलह करेंगे या व्यसन करेंगे कोई। तो पहले ये साहित्यिक विनोद जो हैं ये किए जाते थे। उत्तर भारत में एक अंत्याक्षरी कहते थे इसको, और हर भाषाओं में अंत्याक्षरी होती थी। उर्दू में इसको बैतबाजी कहते हैं। तो आखिर का, अंत का, अंत में होने वाले अक्षर के थे अंत्य। अंत्य जो अक्षर है, जो कविता का चरण के अंत में अक्षर है, उससे अगला व्यक्ति एक कविता सुनाता था। आजकल ये फिल्मों की भी अंत्याक्षरी होने लगी है। तो ये अक्षर श्लोक और अंत्याक्षरी में क्या अंतर है कि अक्षर श्लोक में जो पद्य का तृतीय चरण का आदि अक्षर है उससे अगला व्यक्ति श्लोक बोलता है, इसीलिए कहते अक्षर श्लोकम। क्योंकि तृतीय पद का आदि जो है वो अक्षर से, क्योंकि हमको मिल रहा है श्लोक, इसलिए वो श्लोक अवश्य मिलेगा। इसलिए अक्षर श्लोकम में अधिक विकल्प देने की जरूरत नहीं है। अंत्याक्षरी में विकल्प देने की जरूरत है। जैसे ण आ गया, ण से कोई शुरू नहीं होता अक्षर। ऐसे ही मान ले ऐसे ठ आ गए, और अक्षर जिनके दुर्लभ हों या बनाने पड़े तो उसमें जरा कठिनता होगी, काव्यशास्त्र विनोद नहीं होगा जी। तो जो केरलों में, केरल में और दक्षिणात्य जो क्षेत्र है उसमें अक्षर श्लोक की परिपाटी है, और उत्तर के जो भारत है इसमें अंत्याक्षरी कही जाती थी। अंत्याक्षरी में आखिरी अंत्य के अक्षर से अगला व्यक्ति श्लोक बोलता है, और अक्षर श्लोक में चार चरणों का एक पद्य होता है, तीसरे चरण के आद्य अक्षर से बोलता है। क्योंकि तीसरा अक्षर जो पहला वक्ति बोलेगा, वो तीसरा अक्षर बोलते ही उसे दो चरण जितना एक सूचना मिलेगी, नोटिस मिलेगा कि आप अगला अक्षर इससे बोलेंगे। जैसे मैं एक श्लोक बोल देता हूँ जी, पहले मैं बोलता हूँ फिर आप बोलेंगे मुनिराज जी, मैं बता दूंगा ये तीसरा अक्षर देखिए आया, उससे आप बोल देंगे। अंत्याक्षरी में बहुत सोचने के लिए कभी कभी विवश होना पड़ता है, नंबर कटते हैं। शंकराचार्य जी का श्लोक सुनाता हूँ अश्वधाटी छंद में जी। चेटी भवन निखिल खेटी कदम्ब तरु वाटीशु ना कि पटली कोटीर चारु तर कोटि मणि किरण कोटि करम्बित पदा पाटीर। अब ये तीसरे चरण का पा आया, इनको पता चल गया मुझको प से बोलना है। जब मैं समाप्त करूंगा ये फौरन बोलेंगे, 5 सेकंड नहीं बोलेंगे तो इनका निरसन होगा। पाटीर गंध कुछ शाटी कवित्व परिपाटी मगाधिप सुता घोटी मुखादधिक घोटी कुलादधिक धाटी मुदार मुख वीटी रसेन तनुताम। प पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् युष्मासु पीतेषु या दन्नादत्ते
नादते प्रियमण्डनापि भवितुं भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवा आप आएगा ये भूल गए हैं नहीं सुना आद्ये वा प्रसूमा प्रसूति समये बोलो यस्या भवत्युत्सवैवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहम् मैं आ से बोल रहा हूँ ये भूलना भी स्वाभाविक है इसको दोष न माना जाए ये स्वाभाविक होता है आ ये आ बहुत अच्छा है कालिदास जी का श्लोक है आ परितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञान बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययं चेता अब ये ब पे आया ब बहल रज से विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुख कृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः इसमें हरिणी छंद था और ज से आपका आया जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम च चेतः है तो मैं च से बोलूंगा ये महाकवि कालिदास का ही है चतुष्कपुष्प प्रकरावकीर्णयोः करोऽपि को नाम तवानुमन्यते अलक्तकाङ्कानि पदानि पादयोर्विकीर्णकेशासु परेतभूमिषु अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरगणा अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरगणा विधेयस्यासीद्य स्त्रीनयन विषम संग्रितवत सकल्माषः कंठे तवन कुरुतेन श्रियमहो विकारोपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः सकिन् सखा साधुन शास्ति योधिपम् दर्शयते गतस्मय कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम् सानन्तानाप्यतेजः सख निखिलमरुत् पार्थिवान् दृष्टभाजः चित्तेनाशाजुसस्तान् सममसमगुणान् मुञ्चति गूढभावा पारेवाग्वर्तिरूपं पुरुषमनुचिदं बोधिमेकं शुभाङ्गी निःसीमानन्दमासीदुपनिषदुपमा तत्परीभूय भूयः से आप बोलेंगे या नहीं, आप बोलिए तो जैसे जो नहीं बोल पाता उसका निरसन हो जाता है तो मैं पसे बोलता हूँ प्रतिक्षणम सा कृतरोम विक्रियाम व्रताय महुंजीम त्रिगुणाम बभारयाम अकारि तत्पूर्व निबद्धया तया सरागमस्या रसना गुणास्पदम वाह हमारे ख्याल में काफी हो गया है जी जी और जी। इस तरीके से अक्षर श्लोक हुआ करता है जी। इसमें जो तैयारी करके आते हैं दो दो घंटे तीन तीन घंटे करते हैं और मैं इन दोनों भाइयों को डॉक्टर ऋषिराज पाठक और श्री मुनिराज पाठक को शुभकामनाएं शुभ आशीर्वाद देता हूं कि इनका जो अधीत है वो तेजस्वी हो इनका अभ्यास बना रहे इनकी विद्या विलुप्त ना हो और सदा इनका जो काव्याभ्यास है
वो अपना विनोद और श्रोताओं का विनोद करता रहे। नमस्कार, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। ये अक्षर श्लोकम का एक परिचय था। अब पुनः इसी ऐसे किसी विषय पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।